Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 6th Climb with Cornerstone Grammar, chapter 1, Kinds of Sentences. So let's start. First of all, students, you have to understand that what is sentence. सेंटेंस क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और पता भी होना चाहिए. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस. सेंटेंस एक वर्ड का ग्रुप रहता है जिसका कोई मीनिंग रहता है ना. जैसे कि हो गया राम जा रहा है, राम इज गोइंग, दैट इज सेंटेंस. अब गोइंग इज नॉट अ सेंटेंस, है ना. जब सब वर्ड्स को मिलकर एक ग्रुप बन जाता है और उसका मीनिंग फिर कुछ सेंस निकल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. और एक और इसकी इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि जितने भी सेंटेंसेस हैं आपके वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से, है ना. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद द कैपिटल लेटर. ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं कि उसके टाइप क्या है. देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, सबसे पहला असरचित, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. बहुत इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, सही में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सबसे पहला हम सेंटेंस पढ़ेंगे वो है आपका असरेटिव सेंटेंस. असरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोथ आर सेम. दोनों के नाम अलग अलग है बट मीनिंग सेम है. अगर कहीं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आपको आता है इसे पहचानो और आप ये सोचो कि अरे मैं तो असरेटिव बस पढ़ी हूँ, मैम तो मुझे यही पढ़ाई और बुक में भी वही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बट आपको ये पता होना चाहिए दैट असरेटिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोथ आर सेम. ओके, द सेंटेंस व्हाट इट सेज सिंपली स्टेट समथिंग. मतलब किसी भी चीज़ों को बहुत ही सिंपली कोई चीज़ हमें समझाई जा रही है, बताई जा रही है, दैट इज कॉल्ड असरेटिव सेंटेंस. आई एम गोइंग टू ईट, दैट सिंपल. माई मदर इज गोइंग टू मार्केट. ओके, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. मतलब जो बहुत ही ईजी वे में बोल रहा है, जिसमें कोई वो नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगा है या फिर कोई बहुत ही हैप्पीनेस नहीं दिखाया जा रहा है, वो सब चीज़ें सिंपली डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और असर्मेटिव सेंटेंस में आती हैं. ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एक बात आती है कि इनका जो एंड रहता है वो फुल स्टॉप से ख़त्म हो जाता है. एवरी असर्टिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप. जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. एंड किससे हुआ, फुल स्टॉप से एंड हो गया. और बड़े ही सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ें बोली गई हैं, इसलिए ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस. अब उसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड एंड एडवाइस, है ना. इसमें आपको कैसे पता पड़ता है यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई कमांड दे रहा है या आपको कोई सलाह दे रहा है या फिर कोई आपको ऑर्डर भी दे रहा है या फिर कोई आपको विश भी कर रहा है. ये सारी चीज़ें आपकी इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाती हैं. ऑर्डर और विश आपकी बुक में नहीं दिया है, मैंने एक्स्ट्रा बताया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा. इसका एक एक्सेप्शनल केस ये भी होता है कि यदि आपको कोई कमांड बहुत फोर्सफुल दे रहा है, ठीक है, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, है ना, ये हो गया फोर्सफुल दे रहा है, तो वहाँ पर आपका इस सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से नहीं होगा, उस सेंटेंस का एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप इसको याद रखिएगा कि यदि कोई कमांड फोर्सफुल दे रहा है सेंटेंस पढ़ते हैं तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि वो फोर्सफुल है या फिर पोलाइट है, है ना. तो आप वहाँ पर पढ़ने के बाद मार्क क्या लगाना है आप सोच लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इम्परेटिव के लिए रिक्वेस्ट आ गया, कमांड आ गया, एडवाइस आ गई और ऑर्डर भी आ गया और विश भी आ गई. ऑर्डर में आपका एग्जांपल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, गो टू योर क्लास, है ना, गो टू योर क्लास हो गया. विश में हो गया, विश के लिए एक एग्जांपल मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पर, हैव अ सेफ जर्नी. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ. इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन.
वो तो नॉर्मल है और बहुत इजी है। मतलब किसी से आपने क्वेश्चन पूछा या फिर उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट हो गया, इट मीन्स आपको आँख बंद करके ये बता देना है ये सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको ज़्यादा डीप समझने की ज़रूरत नहीं है, जितना इंपरेटिव को समझने की ज़रूरत थी उतना इसको नहीं है। अब आपका लास्ट टाइप आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, मतलब आपकी जो फीलिंग रहती है अचानक से आती है ना, वाओ हुरे, ये सब एक्सक्लेमेटरी हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो जाता है क्योंकि ये सब अचानक से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। या फिर कोई सरप्राइज मिल गया आपको या किसी किसी को मतलब वंडर तरीके से आपने देखा, हो है ना ये, या पिटी, सो सैड, इसी पिटी, किसी के ऊपर दया दिखा रहे हो या किसी के ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हो या किसी की पर खुशी आपको लग रही है, मतलब हैप्पीनेस लग रही है। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है आपकी बुक में दिया हुआ है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, आप वहाँ ऐड कर लीजिए और भी मेरे अकॉर्डिंग सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें यदि आपको सेंटेंस में समझ में और दिखाई दे रही हैं तो आप वहाँ पर भी आँख बंद करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से आपको मेरा एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ए नंबर की एक्सरसाइज है, स्टेट वेदर दीज सेंटेंसेस आर असरेटिव ए, इंपरेटिव आई, एक्सक्लेमेटरी ई और इंट्रोगेटिव एन, ओके आई एन, समझ में आ गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट नंबर में देखो, सबसे पहले तो आंख बंद करो, आंख बंद करोगे तो समझ में नहीं आएगा भाई। सबसे पहले सेंटेंस में आप ये देखिए कि क्वेश्चन मार्क दे रखा है और ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज टू अर्ली टू लीव फॉर द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। सेकंड नंबर का आपको पढ़ना पड़ेगा स्टॉप प्लेइंग एंड फिनिश द वर्ब, ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ो स्टॉप प्लेइंग, आपको बोल रहा है ना कि आप खेलना बंद करो और फिनिश द वर्क, अपना वर्क फिनिश करते हैं। हाँ, कमांड भी हो रहा है, ऑर्डर भी हो रहा है एक तरीके से, तो ये हो गया आपका इम्परेटिव। आई विल बी एबल टू रिटर्न टुमारो, सिंपल है, असरेटिव, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। अब यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है तो आपको तो एक्सक्लेमेटरी लिखना पड़ेगा। हाउ मेनी शूज डिड यू सेल टुडे, ये क्या क्वेश्चन मार्क आ गया, इंट्रोगेटिव। प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट हो गई है, जब प्लीज आ गया है आप वहाँ आँख बंद करके बता दो भैया कि वो इंपरेटिव है। व्हाट कैप्ट यू बिजी, व्हाट कैप्ट यू बिजी फॉर सो लॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव। अब उसके बाद एट नंबर का अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ये क्या हो गया, सिंपल हो गया, इट मीन्स यहाँ पर असरेटिव। लीव द प्रोमाइसेस राइट नाउ, ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव, क्योंकि उसको क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। हाउ मेलोडियसली द नाइटिंगेल सिंग, यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, तो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है फॉर बी नंबर, फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेस पुट द करेक्ट punctuation mark in the box provided. Here is some boxes and you have to put some punctuation mark. जैसे full stop हो गया, exclamation हो गया, या question mark हो गया, that is all punctuation mark. Okay? First number, when does school start? अब ये WH word से start हो रहा है, it means ये तो question mark वाला है ना। WH word क्या रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं WH word? वो रहते हैं आपके how, do, does, did, like this. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो जाता है ना, वो भी आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर नेक्स्ट है, इट इज नो यूज थिंकिंग अबाउट दिस, सिंपल, फुल स्टॉप, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, सिंपल, फुल स्टॉप। यू आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल, सिंपल, फुल स्टॉप। डिड यू नीट दैट स्कार्फ योरसेल्फ, मैंने अभी आपको बताया था कि डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जो इंटरोगेटिव हैं वो कौन कौन से हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड हो जाता है, हाउ हो जाता है, डू, डज, डिड और हेल्पिंग वर्ब से यदि कोई स्टार्ट होता है वो सेंटेंस हो जाते हैं इंटरोगेटिव। यहाँ डिड से स्टार्ट है, दैट्स वाई वी विल पुट हियर क्वेश्चन मार्क। सिक्स नंबर, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, सिंपल, फुल स्टॉप। हाउ, अच्छे से शुरू हो गया है, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे शुरू हो गया तो आप इसको पूरा तो पढ़िए, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हाउ सिली ऑफ मी टू फॉरगेट द ट्रेन टिकट, है ना। तो ये
क्या है ये वंडर हुआ उसके लिए, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लामेशन आ गया। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं, रीड दिस पैसेज एंड स्टेट द टाइप्स ऑफ ई सेंटेंसेस। ये भी बहुत इजी है। आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ राइटर, क्या हो गया असर्टिव, सिंपल है। हाउ एवर आई डू बिलीव दैट आई वुड लाइक टू बिकम वन, सिंपल असर्टिव। आई वंडर इफ माई, देखो अब इसमें सबसे पहले दे दिया वंडर, तो मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एक्सक्लामेटरी में वंडर आता है, तो यहाँ वंडर आ गया, इसका मतलब आपको एक्सक्लामेशन मार्क लगाना है, मतलब ये सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी हुआ। विल माय शॉर्ट स्टोरीज एवर बी पब्लिश्ड, अब वो क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो भाई आपको तो इंट्रोगेटिव करना है। आई हैव नो आइडिया, सिंपल असर्टिव। आई प्लान टू सेंड माई राइटिंग्स टू अ पब्लिशर, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, असर्टिव। डू, देखो मैंने बताया था डू हेल्पिंग वर्ब ये सब चीजें आएंगी तो वो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, पर देखिए इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, ध्यान से इसको रीड करना पड़ेगा आपको। डू एज योर हार्ट डिजायर्स, ऊपर लगा हुआ है इसमें कॉमा, है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, तो ये आपका हो गया क्या इम्पेरेटिव हो गया, है ना, कुछ चीज़ों को ध्यान से कीजिएगा। दीज आर माई ग्रैंड फादर्स वर्ड ऑफ विजडम, सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए असर्टिव। आई हैव नॉट फॉरगॉटन एनी ऑफ दिस एंड एनी ऑफ दिस एडवाइस, ये भी सिंपल है। अगर नॉट लग गया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सिंपल नहीं है। हाँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस पूछता है, नॉट लग जाता है, तो आप बिल्कुल बोलिए नेगेटिव, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं पूछा गया तो आप यहाँ पे असर्टिव ही बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज ओवर होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी आपको समझ में आया होगा, उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी से, टेक केयर, बाय।